को मणिपुर में जो घटना हुई वो 2 महीने बाद सामने आई, और 2 महीने बाद जब ये घटना वीडियो के जरिए सामने आई तो सभी लोग हक्के बक्के रह गए, जहां पर सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि अभिनेताओं ने भी इस मणिपुर वॉयलेंस पर खूब रिएक्शन दिए। किसी का गुस्सा फूटा तो किसी ने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की मांग की। बॉलीवुड स्टार्स और हॉलीवुड स्टार्स भी पीछे नहीं हट रहे। इस मणिपुर में जो घटना हुई है इसे देखने के बाद हर कोई खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा है। यहाँ तक कि गौतम गंभीर ने ये कह दिया कि मुझे खुद पर भारतीय कहलाने पर शर्म आ रही है, क्योंकि ये सिर्फ जो घटना हुई है ये मणिपुर की नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए शर्मनाक हरकत है। अगर आज ये मणिपुर में हुआ है तो कल कहीं और होगा और उसके बाद कहीं और। अगर इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा नहीं दी गई तो ये कांड यूं ही होता रहेगा। अब इसी बीच यहाँ पर बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा सामने आए, जिन्होंने मणिपुर में हुई इस घटना पर क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। मणिपुर में हुई घटना की वीडियो देखने के बाद रोती बिलखती नजर आई एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने वाली घटना से पूरा देश तप्त है। कई सेलिब्रिटीज ने इस घटना पर दुख जताया। प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि परिस्थिति चाहे जो भी क्यों ना हो, महिलाओं को हिंसक खेल का मोहरा बनाना बिल्कुल ठीक नहीं। करीना कपूर ने भी घटना पर नाराजगी जाहिर की। एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने कहा, उन्होंने जब से मणिपुर वाला वीडियो देखा है तब से वो कुछ खा नहीं पा रही और ना ही सो पा रही है। सेलिना ने कहा कि उनका शरीर गुस्से से के मारे कांप रहा है। सेलिना ने ट्विटर पर लिखा, जब से मैंने मणिपुर वाला वीडियो देखा है मैं सो नहीं पा रही और मैं इस तरह के अपराध को देखने के बाद बुरी तरह से घबरा चुकी हूँ। तो यह है पूरी खबर कि किस तरह से हर एक सेलिब्रिटी मणिपुर की घटना को देखने के बाद गुस्से से बौखलाया हुआ है। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट प्रियंका चोपड़ा को लेकर, जिन्होंने मणिपुर की वायरल हुई वॉयलेंस वीडियो पर क्या कुछ कहा। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।